अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी उर्दू की टीचर नसीमा हूँ, क्लास 5। मैंने आपको नज़म तराना का एक बंद क्लास में करवा दिया था और उसको अच्छा समझा भी दिया था। अब मैं आपको असाइनमेंट में इसका दूसरा बंद दे रही हूँ, जो मैं आपको कॉपी में करवाऊंगी। अब हम आ जाते हैं अपनी नज़म की तरफ। अब आप बुक का सफ़ा नंबर 32 खोलिए। देखिए ये बच्चों, ये आपका बंद नंबर 2 है। इस नज़म में शायर ने वतन के लिए दुआ मांगी है कि ए अल्लाह, हमारा वतन पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे और हमारे वतन का परचम सारी दुनिया में ऊंचा रहे, इसी तरह से चांद उस तारा चमकता रहे। देखिए बच्चों, जिस वतन में हम रहते हैं वो हमारे घर की तरह से होता है। जिस तरह हम अपने घर में बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते हैं, इसी तरह से हमें चाहिए कि हम अपने वतन में भी इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहें, एक दूसरे के काम आए, छोटी छोटी बातों को अना का मसला ना बनाए, तालीम को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहें, क्योंकि मुल्क का मुस्तकबिल आपके अपने हाथों में है। मुल्क भी जब तरक्की करेगा जब हम मेहनत करेंगे और अपने वतन से मोहब्बत करेंगे। और हमें हर मामले में सब्र बर्दाश्त की जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर ये सब कुछ नामुमकिन है। देखिए बच्चों, मैंने आपको नज़राना दोबारा समझा दी है। अब हम आ जाते हैं अपने बोर्ड की तरफ, जिस पर मैंने आपको नज़म लिखी हुई है, उसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगी भी और समझाऊंगी भी। आइए मैं बोर्ड की तरफ। ये आपका है नज़म का नज़राना का बंद नंबर 2। नंबर मैं पढ़ के बताती हूँ। हमें आदते सब्र तस्लीम दे, हमें क़ुव्वते अज़्म तआज़ीम दे, खुदाया तो तौफीक तालीम दे, ये वतन या इलाही सलामत रहे, सलामत रहे ता क़यामत रहे। ये तो आपका हो गया बंद पूरा। अब यह है इसकी तशरीह। देखिये तशरीह यह है इसकी, ये मंदरजा बाला बंद नज़्म तराना से लिया गया है। इस नज़्म के शायर अब्दुल आला हैं। इस बंद में शायर अल्लाह ताला से मुखातिब हुआ कहते हैं कि ए अल्लाह, हमारे अंदर ऐसी आदतें पैदा हो जाएं कि जिसमें सब्र बर्दाश्त हो, हमारे इरादे मजबूत हों, इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो, हम अपने वतन की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करें, ताकि हमारा वतन दुनिया के नक्शे पर हमेशा कायम दायम रहे और तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाए। तो ये थी आपकी तशरीह। अब देखिए इसके दूसरी साइड पर मैंने अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर लिखा हुआ है। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, वो अपने असाइनमेंट की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए, अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर मिसरे लिखिए। ये आपके बेतरतीब मिसरे ही लिखे हुए मैंने इस तरफ, और उस तरफ मैंने तरतीबवार मिसरे लिखे हुए। अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि ये मिसरे जो है वो बेतरतीब है। रहे ऊंचा हमारा परचम सदा, सदा परचम ऊंचा हमारा रहे, ये क्या है, ये सही मिसरा है। दे तंजीम हमें अज़्म क़ुव्वत वो, हमें क़ुव्वत अज़्म तंजीम दे, ये आपका मिसरा जो है वो सही है। वतन वतन अहल को वतन सजाए सब, वतन को सजाए सब अहले वतन, तौफीक खुदाया तालीम तू दे, खुदाया तो तौफीक तालीम दे। तो ये जो आपके बेतरतीब मिसरे थे वो मैंने आपको समझा दिए, जो आपके तरतीबार मिसरे थे वो भी मैंने आपको पढ़ के समझा दिए हैं। अब ये दोनों चीजें आपके समय आ गई होंगी। अब हम आ जाते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। देखिए बच्चों, ये बाकिया काम नज़म तराना का है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है। इसको आपको बहुत सफाई के साथ अपनी कॉपी में लिखना है, और इसकी तशरीह भी इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको असाइनमेंट लिख के दिया है, इसी तरह से आपको असाइनमेंट में सब कुछ लिखना होगा। और नीचे मैंने आपको दिए अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर मिसरे लिखिए, इसी तरह से जैसे मैंने लिखे, लाइन छोड़कर लिखिएगा, बगैर लाइन छोड़े नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, आपके खुद की भी समझ में नहीं आएगा जो आप याद करेंगे इसको। तो अब आप असाइनमेंट को इस तरह सफाई से बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आपको समझाया है बोर्ड पर भी और असाइनमेंट में, वो समझ में आ गया होगा। अब आप, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से सफाई से काम करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।